आइए बात करते हैं गरियाबंद की, जहां पर एडमिशन के नाम पर घूस लेने का मामला सामने आया है। मामला देवभोग आईटीआई का है। संस्था के 8 छात्रों ने प्रिंसिपल पर घूस लेकर एडमिशन देने का आरोप लगाया है। छात्रों के मुताबिक उनसे 5 से लेकर 8,500 रुपए तक की घूस लेने के बाद ही संस्था में एडमिशन दिया गया है। हालांकि प्रिंसिपल अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। छात्रों ने देवभोग एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा 70% है और साथ मेरा फ्री सीट में नाम आ गया था, लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए वहां पहुंचा तो प्रिंसिपल के द्वारा मेरे को पूछा गया कि आपको 1,150 रुपये देना है, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। तो सर मैं उस टाइम कुत्ता ही पकड़ के ही गया था। तो नहीं होगा, 8,500 रुपया दोगे तभी होगा। बोला कौन 8,500 होगा? प्रिंसिपल के साथ दिख रहता है लड़का, वो बोला 8,500। महीन यादव उसका नाम, और वो बोला 8,500 रुपया। तो बोला प्रिंसिपल के साथ आपको बोले थे? कौन बोला था? नहीं, प्रिंसिपल के साथ तो भाई बोले ना, उसके साथ महीन यादव। क्या बोला था महीन यादव? 5,000 रुपया लाओ, बाद में एडमिशन देंगे। क्या पद में कार्य रहते हो? पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ गरियाबंद से। पुरुषोत्तम, देवभोग आईटीआई कॉलेज का मामला है, यहाँ पर 8 छात्रों से प्रिंसिपल ने घूस मांगी है, क्या ये पूरा मामला है, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? जी मैं बता दूं कि गरियाबंद जिले में जो विभिन्न जो प्रतिभावान छात्र थे उनकी और अन्य उनको फैकल्टी उपलब्ध हो, उस नियत से यहाँ पे मुड़ा गांव में आईटीआई तो खोला गया था, लेकिन उसका संचालन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो उसका संचालन को लेकर सवालिया निशान उठ रहा है। मामला जब वहाँ के आईटीआई में पढ़ने वाले जो 6 छात्र जो है वो सीधा वहाँ एसडीएम के पास पहुंचे और बकायदा एक एक छात्र लिखित आवेदन दिया है और आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल के द्वारा उनके द्वारा जो निर्धारित फीस के अलावा किसी से 3,500 अतिरिक्त तो किसी से 8,000 के अतिरिक्त इस तरह से रुपए की मांग की जाती थी। ये आरोप गंभीर आरोप लगाया है जिसके बाद एसडीएम ने उसको जांच में ले लिया है। लेकिन प्रिंसिपल का तो ये कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस तरह की बात प्रिंसिपल कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल से आपने बातचीत की होगी, तो प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए प्रिंसिपल से हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन मोबाइल से ही उससे बात हुई और वो आरोप उससे सीधे खारिज कर रहे हैं। लेकिन छात्रों से हमने गहन पूछताछ की क्योंकि एक सवाल भी ये भी उठता है कि जिस संस्था में छात्रों को पढ़ना है उससे अगर झूठा आरोप वो क्यों लगाएं। ये सवाल छात्रों को भी हमने क्रास सवाल किया था कि आपको उस संस्था में पढ़ना है और अब इस तरह प्रिंसिपल के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीड़ित छात्रों ने एक एक करके अपनी जब घटना बयान की तो ऐसा लगता था कि वाकई में वो पीड़ित वास्तविक में पीड़ित है, क्योंकि उनका कहना था कि सूची में एक तरफ नाम आ जाता था, नाम आने के बाद जब वो प्रवेश बाकी हम छात्रों की बात करें, हालांकि 8 छात्रों ने ही शिकायत की है, क्या लगता है कि यदि कॉलेज में जरूरी नहीं है कि 8 ही छात्रों, काफी बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं और आईटीआई का मामला है तो इसमें काफी ज्यादा सीटें भी होती है जिसमें छात्रों ने एडमिशन लिया होगा, तो क्या अन्य छात्रों से भी बातचीत हुई है जिन्होंने इस बारे में कुछ अपनी बात जाहिर की हो आपके सामने, ऐसे कुछ कहा हो कि इसको लेकर क्या कुछ कहा गया हो? देखिए जब अब ये 8 छात्रों का जब मामला सामने आया, मामले के बाद क्योंकि अब जांच में डाल दिया गया है, जांच के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं तो अन्य छात्रों से तो उमा शंकर जुड़ गए हैं, जो छात्र जिनसे घूस ली गई थी ऐसा उसका कहना है, हम उनसे बात करते हैं। उमा शंकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गरियाबंद के जो आईटीआई कॉलेज है उसमें जो प्रिंसिपल है उन्होंने आपसे घूस ली थी, क्या ये बात बिल्कुल सही है या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ये पूरा आपके साथ घटनाक्रम हुआ यह हम आपसे जानना चाहेंगे? जी सर, पैसा की मांग की गई मेरे से, जी 7,000 रुपये मांग की गई, मेरे पास पैसा नहीं था सर और मैं पैसा मेरे पास सिर्फ 2,500 रुपये थे। जी बाद में नहीं होगा बोल दिए एडमिशन के लिए गया था। तो उमा शंकर, यदि आपने उनसे इस बारे में यानी आपने घूस देने की उन्होंने बात की तो आपने उसके लिए मना नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि किस बात की घूस मांगी जा रही है और यदि आप नहीं देते तो क्या एडमिशन नहीं होता क्या आपका? नहीं सर, मैं तो मना किया ना। जी उसके बाद क्या कहा प्रिंसिपल ने? जी प्रिंसिपल से बात नहीं हुई थी सर, वो सामने गार्ड थे सुरेश नागेश, उनसे बात कराया मेरा। अच्छा उमा शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो प्रिंसिपल है उन पर आप ही नहीं बल्कि आप जैसे और भी छात्र हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे घूस ली गई है, कितने ऐसे छात्र हैं? क्योंकि हमारे पास तो 8 की संख्या आ रही है कि 8 छात्रों के साथ घूस लेने का आरोप लगाया है, क्या और भी छात्र ऐसे हैं जिनसे आपने बातचीत की होगी तो उन्होंने बताया होगा कि हमसे भी घूस ली गई है? जी सर, ऐसे तो बहुत जन हैं जो बताते हैं कि पैसा लिया गया है बोलते, बस सामने आने से सब डरते हैं सर। जी यानी कि और भी संख्या बढ़ सकती है छात्रों की जिन्होंने जिन्होंने घूस दिए प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल का क्या कहना है इस बारे में? प्रिंसिपल यानी आपसे जब पैसे ले रहे होंगे तो क्या, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या एडमिशन देने से मना कर रहे थे यदि घूस न देने पर?
जी सर, पैसा सबसे पहले तो वहाँ ये पूछा जाता है कि पैसा कितने लाया है पूछा जाता है। अच्छा। बिना डॉक्यूमेंट चेक के पैसे के बारे में पूछा जाता है सर जी, कितना लाए हो क्या है बोल के। लेकिन आपसे डिमांड 7 या 8 हजार रुपए की थी और आपके पास 2500 रुपए थे, फिर क्या हुआ? बाद में और पैसा मंगाए सर, फिर बाद में मुझे और देना पड़ा पैसा। यानी कुल आपने कितने पैसे दिए जिससे आपका एडमिशन हो पाया? 3700 रुपए दिया सर जी। 3700 रुपए यानी कि बगैर पैसे लिए। अच्छा, इसकी शिकायत आपने एसडीएम से की, तो एसडीएम का क्या कहना है इस बारे में? अब सर हम लोग ऐसे एसडीएम सर नहीं थे जी, एप्लीकेशन दिए जी बाबू से। अच्छा, तो कोई आश्वासन मिला दोबारा एसडीएम के पास गए बातचीत करने के लिए या सिर्फ आवेदन देकर आ गए? दोबारा तो अभी नहीं गए हैं, पर जाने वाले हैं। चलिए उमाशंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि विडम्बना देखिए, आईटीआई की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उन्हें घूस देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल को घूस देनी पड़ेगी। यदि पर्याप्त बजट नहीं है तो एडमिशन भी नहीं होगा। और ये 8 ऐसे छात्र हैं जो काफी हिम्मत जुटाकर सामने आए हैं और उन्होंने अपना एक आवेदन एसडीएम को सौंपा। ऐसे 8 नहीं, कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने घूस देकर अपना एडमिशन लिया, लेकिन वो सामने आने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम पात्रा इस जानकारी को साझा करने के लिए।